पहले तो हमें 111 हो बहुजन समाज पार्टी लिखे थे तो दो कह रहे थे 11 हो गए, अब हम 53 हो गए, 111 हो गए। अब हम सबको मिलकर के सत्ता से बाहर करेंगे, कांग्रेस जो खबर ने रखे सत्ता में आने का उनको सत्ता से दूर कर देंगे। और एक चीज और साफ कर लेना चाहता हूं, मेरा इसका गठबंधन कोई विश्वास का नहीं है, ये मेरा बहुत पुराना साथी है, भटक गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के रंग बड़े अजब गजब हैं। राजनीति को अगर मैं कहूं कि रंग बिरंगी है और मौसम से पहले रंग बदल लेती है। एक फिल्मी नगमा था कि मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो ना जाओगे, लेकिन राजनेता कब बदल जाएं, कब पलटी मार जाएं, आप सोच भी नहीं सकते। सिरसा के दो राजनीतिक घराने हैं, राजनीतिक परिवार कभी एक साथ हुआ करते थे, 2000 के चुनाव के दौरान में और 2005 के चुनाव तक एक साथ हुआ करते थे। राहें बदली, राहें जुदा हुई तो एक दूसरे के ऐसे बैरी हो गए कि लड़ने मरने को तैयार होते थे, और अब फिर दोनों एक साथ हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कांडा परिवार और चौटाला परिवार की। गोपाल कांडा और अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला परिवार। एक समय था कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यक्रम, तमाम आयोजन तारा बाबा कुटिया में हुआ करते थे, गोपाल कांडा के संयोजन में, गोपाल कांडा के सानिध्य में। समय बदला तो गोपाल कांडा रंग बदल गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है। 2005 तक हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल की। एक समय था जब गोपाल कांडा ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को नोटों से तोला था, कागज के नोटों से। सिक्कों से तोलना तो चलता है, लेकिन कागज के नोटों से तोला था चुनावी सभा में समर्थन देते हुए। बताते हैं गोपाल कांडा का जो साम्राज्य बड़ा हुआ उसके अंदर भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के दौर का एक बड़ा योगदान था। अगला समय बदला, गोपाल कांडा 2009 में निर्दलीय विधायक चुने गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री बन गए, और यहीं से शुरू हो गया कांडा परिवार और चौटाला परिवार के अंदर आमने सामने वाला दौर। जो कभी एक साथ हुआ करते थे वो आमने सामने हुए। लोगों ने वो दौर भी देखा, सिरसा के लोगों ने वो दौर भी देखा जब सिरसा के बाजार को बंद करवाने के लिए जब इंडियन नेशनल लोकदल का एजिटेशन था तो गोपाल कांडा और अभय चौटाला आमने सामने हो गए थे। आज गोपाल कांडा कह रहे थे अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का शेर, आज फिर दोनों एक हैं। हरियाणा के अंदर राजनीतिक तालमेल, राजनीतिक मांडवाली या पॉलिटिकल डील की बात चल रही थी हलोपा और भारतीय जनता पार्टी में। एनडीए का हिस्सा है हलोपा, गोपाल कांडा की पार्टी, और उस गोपाल कांडा की पार्टी यानी कि हलोपा का जो राजनीतिक समझौता था एनडीए के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, 2019 के चुनाव में विधायक बने थे गोपाल कांडा। इस बार भी वो अपनी हलोपा से कह लें या निर्दलीय कह लें, वो विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत की सरकार को समर्थन दिया गोपाल कांडा ने। गोपाल कांडा को उम्मीद थी मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन राजनीति आड़े आई और गोपाल कांडा पूरे 5 साल तक कुछ नहीं हुए। एक उपचुनाव हुआ सिरसा के अंदर एलनाबाद का, ये राजनीतिक वैमनस्य इतना बढ़ चुका था कि गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा एलनाबाद के उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे थे। गोविंद कांडा के साथ चुनावी मुकाबला हुआ था अभय सिंह चौटाला का। अब जब विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा की भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं बनी, चर्चाएं थी कि गोपाल कांडा ने 15 सीटों से मांगना शुरू किया था और 2-3 तक बात चलने की बात आई थी, लेकिन वो समझौता हुआ नहीं, समझौता हो नहीं सका, समझौता टूट गया और भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा से अपना कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में ला दिया। आज चुनावी सभा थी, गोपाल कांडा आज नामांकन करने जा रहे हैं सिरसा से, और गोपाल कांडा के नामांकन में पहुंचे हुए थे अभय सिंह चौटाला।
अभय सिंह चौटाला को बता रहे थे गोपाल कांडा हरियाणा का शेर। गोपाल कांडा अभय सिंह चौटाला की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। नामांकन करने के लिए गोपाल कांडा के साथ अभय सिंह चौटाला जाएंगे और वो कह रहे थे फिर अभय सिंह चौटाला के साथ एलनाबाद में नामांकन कराने के लिए गोपाल कांडा जाएंगे। यानी कि दो राजनीतिक ताकतें एक हो गई, सिरसा के अंदर दो राजनीतिक शक्तियां एक हो गई। सिरसा के लिए कहा जा रहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ चुकी है और इस गठबंधन के समझौते के तहत जो अभय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा का हुआ है, इस समझौते के बाद तो आप ये मान लें कि खासकर जो मुकाबला होगा वो गोपाल कांडा एंड अभय सिंह चौटाला एंड बहुजन समाज पार्टी, और इनके सामने होंगे जो सामने जो मुकाबला होगा वो कांग्रेस। क्या भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर दिया गोपाल कांडा और अभय सिंह चौटाला को, या इस सबके पीछे कोई राजनीतिक फलसफा है? और आने वाली सरकार हम मिलकर के बनाएंगे, इस सरकार को कोई रोकने वाला नहीं। याद से पहले तुम्हें एक से 11 हो बहुजन समाज पार्टी के लिए दो कह रहे थे 11 हो गए, अब हम 53 हो गए, 111 हो गए। अब हम सबको मिलकर के सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस ने जो दबाव ने रखा सत्ता में आने का उनको सत्ता से दूर कर दो। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार आज गोपाल का नाम किसी का आदमी तो आपने देख लिया, इतना उत्साह हो गया। मुझे लगता है कि इसके सामने में टिक नहीं पाएगा, सबके जमाना जब होगा। और फिर आपसे निवेदन है कि मेरा एलाहाबाद में भी आकर के एक बार आप दोनों जगह पहुंचो, पहुंच करके एलाहाबाद के लोगों का भी उत्साह देखना, मेरे सामने जो चुनाव है उनकी भी जमानत नहीं होती। हम संस्था की सारी चीजें देखेंगे और अभी जब कल सुबह बाहर करोगे तो अखबार की सुर्खियां होगी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के हर हालत में प्रदेश की सत्ता की तरफ बढ़ रही। मैं चलूं, मेरे को इजाजत है, मेरा नॉमिनेशन है। चल चल कैसे कैसे जो अभी आपके सामने अभय सिंह जी ने सारी बात बता दी कि इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 है और ये सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी शिक्षा की सरकार होगी अब हरियाणा की और जो बहुत अभूतपूर्व विकास होंगे और जो सुविधाएं अभी तक नहीं वो मिलेंगी। देखो ऐसा है कि अभी हम सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार बनाएंगे और अभय सिंह जी ने जब बोल दिया कि हम तीनों मिलकर सरकार की तरफ बढ़ रही, इस बात की कोई दोहराई नहीं होगी क्योंकि लोगों ने सब पार्टियों को सबको देख लिया कि किसने क्या किया और बहुत विश्वास है लोगों का, वो आप देख रहे हो कि कैसा जनून है और इसमें कोई दोहराई नहीं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ ना, 111 हो गए, 1 और 111 में कितना फर्क होता है, उतना अंतर पड़ा है देखो। ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई है। देखो ऐसा है कि मैं अभी HLP हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, हम तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई आगे मुझे और भी सपोर्ट देता है तो दे दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कोई सपोर्ट करता है तो करे। और एक चीज और साफ कर लेना चाहता हूँ, मेरा इसका गठबंधन को विश्वास का नहीं है, ये मेरा बहुत पुराना साथी है, भटक गया था। अभय सिंह चौटाला पिछले चुनाव में कहा करते थे गोकुल सेतिया शेर है, और इस चुनाव में क्योंकि गोकुल सेतिया शामिल हो गए कांग्रेस में, कांग्रेस से वो कैंडिडेट हो चुके हैं, अब सिरसा का रण जो है पिछले 24 घंटे के अंदर कई रंग बदलेगा। सिरसा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने OBC जांगड़ा समाज के नेता को अपना कैंडिडेट बनाया है। गोकुल सेतिया यहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। वीरभान मेहता परिवार, जो मेहता परिवार है सिरसा का प्रमुख कांग्रेसी परिवार, उस परिवार ने बैठक करके उसने भी अपना ऐलान कर दिया
और इधर गोपाल कांडा अभय सिंह चौटाला के साथ कदम ताल करते हुए सिरसा जिले में दिखाई देंगे। कैसा पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, कैसे राजनीतिक हालात बनेंगे और सिरसा का रण कैसा होगा? जो मैं आपको बता रहा था कि राजनीति के रंग अनेक हैं, आप क्या मानते हैं? क्या ये राजनीतिक रंगों में से एक रंग ये भी है जो आज आपने सिरसा में देखा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।